गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी हार्ड होने वाला है क्योंकि आपको पता होगा आजकल नवरात्रों का सीजन चल रहा है। तो जो आज है महाचितासणी का मेला, तो गाइस हम जा रहे हैं आज मेले में। पुष्पा आज बहुत खुश लग रही है, कहाँ जा रहे तुम आज? मेले में जा रहे हैं, नवरात्रि का आज लास्ट व्रत है और आज हम बहुत खुश हैं। ये अच्छा जी, हाँ मेले में जा रहे हैं। अच्छा, और मेरे सिस्टर लोग हैं। अच्छा, जा रहे हैं हम थोड़ी देर में माता के पास पहुँचेंगे थोड़ा नीचे। गाइस देखा सब लोग खुश है आज, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज क्योंकि आज मेले में जा रहे हैं। काफी खतरनाक मेला होने वाला आज, और आज रात को वहाँ जागरण भी होगा, काफी भयंकर जागरण होगा। तो गाइस साहब वीडियो देखते रहे आगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। तो गाइस आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर बारिश का मौसम भी बन रहा है और आसमान पे बादल छा रखे हैं बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। और आप देख सकते हैं नीचे कितना भयंकर मेला हो रहा है, और मैं अभी यहाँ पर जाऊँगा नीचे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पर, ये यहाँ पर माँ चितासणी का मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग आ चुके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार भंडारा भी चल रहा है। गाइस आप देख सकते हैं ये है मिठाई, और यहाँ पर मेले में भाई लोग हैं। अरे देख सकते हैं अभी ये है पकौड़ी, और ये है जलेबी, और ये भाई लोग जलेबी बना रहे हैं अभी। भाई जलेबी क्या रेट दे रहा? लो भाई जलेबी क्या रेट? अरे पकौड़ी हाँ 200 रुपये किलो। 200 रुपये? अरे ये वाली अच्छा 150 रुपये किलो, चलो ठीक है। भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी पहाड़ी तांदे लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा दर्शक है यहाँ। अच्छा, और हमारे खानदान के लोग इसमें यहाँ झोटे की बंदी जाते हैं, और ताकि वो कई साल तक चली। अब जब लोग समझ गए और देखा कि भाई ये ठीक नहीं है, तब वो कम से कम 8 साल हो गए, मैंने 8-10 साल से छोड़ दिए। अच्छा, अब ये हमारे धौले वाले इतने
वो हो गए, देवी के भगत इतने हो गए, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों के इतने हैं कि तो सब देवताओं को मानते हैं। और ये हमारी कुल देवी है, सुल्तान घोरा जो कार्यक्रम ये प्रत्येक साल ऐसे मनाया जाता है जो कार्यक्रम ये प्रत्येक साल ऐसे मनाया जाता है प्रत्येक साल नवमी को मनाता है। और ये कामज भगवती है, ये कहीं नहीं रहती, हमारे गांव घर में रहती है। अच्छा, तो आपके गांव का नाम क्या है? छुलटार। अच्छा, छुलटार हमारे घर में रहती है, कहीं रात को नहीं रहती है, यहाँ रहेगी या छुलटार रहेगी। आज यहाँ जैसे कार्यक्रम है तो ये उसमें रहेगी, लेकिन ये कहीं किसी के घर मिल जाती है। अच्छा, इसीलिए हमारे घर जाती है। अच्छा, तो ये कल जाएगी। तो भाई जी, आप लोगों के बारे में बताया गया कि दौरा वाले भव्य तरीके सामाजिक कार्यकर्ता जी, ये जो यहाँ हर साल होता है नवमी के दिन एक कार्यक्रम होता है, हम लोगों का मेला होता है भव्य जी, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है कार्यक्रम। तो यहाँ सात साल आठ साल से हम लोग जागरण भी करवा रहे हैं जी। इस बार भी माँ का जो है भव्य जागरण किया जा रहा है, सातवां जागरण है माँ का इस बार जी। मैंने सुना इस बार भी जागरण है। हाँ, सातवां जागरण माँ का इस बार। अच्छा अच्छा, और इस बार जो है कैबिनेट जो मंत्री है रेखा आर्या जी, वो भी इस बार आने की संभावना, वो भी कह रही मैं भी हूँ इस बार जी। जी जी, धन्यवाद भाई जी। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये शिला दिख रही है, ये यहाँ पर कुदरती इस जमीन से नीचे से गाइस, तो यहाँ पर आई है कुदरती शिवलिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिवलिंग की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो यहाँ का बहुत पुराना इतिहास है, पानों की यज्ञ वेदी का है। आप देख सकते हैं ये है भीम का पकौड़ा। काफी खतरनाक तूफान आया है और सब लोग एक ही जगह पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि तूफान भयंकर आ रहा है और बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और सब लोग पेड़ के नीचे आ रखे हैं। अभी लगता है शायद देवी माँ बहुत क्रोधित हो रखी है, अभी बहुत भयंकर तूफान आ रहा है और सब लोग यहाँ पर इतर बितर हो रहे हैं। और ये हमारे कार्लोस भाई, ठंड लग रही बहुत ज्यादा। कार्लोस भाई कैसा लग रहा है? तो गाइस, आप देख सकते हैं कि बच्चे फुल एंजॉय ले रहे हैं इसके, और जो यहाँ पर अंकल जी हो काफी गुस्सा हो रखे हैं।
और भाई के साथ बहुत पंगा हो रहा है, काफी बकेती हो रही है भाई जी के साथ अभी। ना भाई जी हम जा रहे हैं, मेरे को अभी बैठना है। 2 साल का बच्चे के लिए तो भाई आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बारिश में? इस बार इस टाइम को बारिश हो रही है तो भाई जी भी अपने गांव जाने वाले, कहीं भी जाए हमको क्या लेने देंगे। सॉरी पजामा तो निकाल। सॉरी भाई जी, सॉरी। अगर लेने तो यार आपने यहाँ पे कुछ शॉर्ट चेक करे होंगे, वीडियो चेक करी होगी, तो ये वीडियो जो भाई के चैनल पे चल रही है और आज हम ब्लॉग शूट नहीं करा, तो अभी फिलहाल पीछे भी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे मंदिर पे कोई नहीं है क्योंकि यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भाई के चैनल है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा करना। आज का ब्लॉग का एंड हम यहीं पर करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं अभी सब लोग घर चले गए हैं और यहाँ पर अभी काफ़ी भयंकर तूफान आया था, लगता है शायद देवी माँ काफ़ी क्रोधित हो गई थी, शायद हो सकता है कुछ शायद कुछ गड़बड़ी रही होगी क्योंकि यहाँ पर भयंकर तूफान आया था और यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी हो गई थी। तो गाइस हमने दिखाया आपको कितनी अच्छी सुंदर तांदी लगी यहाँ पर, हारूल लगी और जो यहाँ पर हम। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।